वीबीएन मैथ्स क्लासेस में साहब आपका स्वागत है। अगर आपने वीबीएन मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। हम काफ़ी टाइप के फंक्शन पढ़ चुके हैं, उन्हीं में से उनका एक भाई और है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन जो है नेक्स्ट वो अपना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है साहब, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है साहब वो है अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखो क्या होगा, इसको जो हम डिनोट करेंगे वो करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, और जो अपना ए जो है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, आर पॉजिटिव माइनस में वन। मतलब कि इसमें सारे पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए साहब, छोड़ के वन को, ठीक है साहब। और इसमें जो है साहब केस बनेंगे, फर्स्ट केस हम करते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में मैं आपको बता दूं कि ए जो है जब जीरो से वन के बीच में होगा तब इस फंक्शन का फोटो कैसा बनेगा। पहले तो मैं बात करता हूं आपसे कि अगर a 0 से 1 के बीच में, मतलब हम f ऑफ x को क्या क्या लिख सकते हैं साहब, फॉर एग्जाम्पल 1 बाई 2 की पावर x, 1 बाई 3 की पावर x, 1 बाई 4 की पावर x, इस टाइप से हम लिख सकते हैं, क्लियर है साहब। इस टाइप से हम बना सकते हैं जब a 0 से 1 के बीच में होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ हम बना सकते हैं। इसका जो साफ फोटो जो है, इसका जो फोटो है वो कैसा बनेगा, मैं इसका फोटो बना देता हूँ। इसका जो फोटो जो बनना है वो अपना कुछ ऐसे बनना है, ये आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। इसका जो फोटो है साफ वो ऐसे बनना है, ये जो पॉइंट होगा ये होगा अपना 0 1, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पे साफ एक्स 0 होता है। तो ये जो किस टाइप का फंक्शन है, किस टाइप का ग्राफ होगा इसका, इन सब का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा सभी का। आप 1/5 लीजिए, आप 1/6 लीजिए, सब लीजिए आप, उन सब का ग्राफ सब ऐसा बनेगा, ठीक है। और फोटो के अकॉर्डिंग हम डोमेन, रेंज, कोडोमेन हर चीज़ इसमें बता सकते हैं। तो बात करते हैं साहब डोमेन की। पहले तो फंक्शन क्या साहब, ये फंक्शन है, यस सब ये क्या है, फंक्शन। फंक्शन की पहचान यही थी कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल कर्व को एक जगह कट करती है, मतलब एक x अगर एक y रखता है तो फंक्शन, नहीं तो फंक्शन नहीं। तो सब ये क्या है, एक फंक्शन। दूसरी बात चलती है साहब इसकी डोमेन की, डोमेन ऑफ f। इस फंक्शन के डोमेन कैसे चेक करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल लाइन डालो और कर्व को जहां तक कट करता है वहां तक तो डोमेन, और साहब जहां पे कट करना बंद कर दे वहां पे डोमेन नहीं। तो ये मेरे को लग रहा है कि ये तो लगातार ऐसे जाएगा, ये लगातार ऐसे जाएगा, तो इसकी जो डोमेन है ना साहब वो क्या है, रियल नंबर। इसकी जो डोमेन है साहब वो क्या है, रियल नंबर। नेक्स्ट बात आती है इसकी रेंज की। रेंज कैसे देखते हैं साहब, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डालेंगे, अगर कर्व को कट करती है तो रेंज है, नहीं तो रेंज नहीं है। तो नीचे एक्स एक्सिस के बिलो कट नहीं कर रहा और एक्स एक्सिस के ऊपर भी ये कहीं भी कट नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस के जस्ट ऊपर से बिल्कुल पास से निकल रही है ये कर्व। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ देखो, इसमें आएंगे ना तो जीरो है ना जीरो से नीचे वाले हैं, जीरो से सिर्फ ऊपर वाले हैं। तो आप कहोगे इसमें कि ना तो जीरो, ना जीरो मतलब ओपन इंटरवल जीरो से इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल जीरो से इनफाइनाइट साहब इसकी रेंज होगी, ठीक है। तो चलते हैं आगे, इसमें फंक्शन हो गया, डोमेन हो गई, रेंज हो गई, क्या साहब ये बाउंडेड है, बाउंडेड है साहब ये सब बाउंडेड नहीं है, ये बाउंडेड नहीं है। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू साहब, फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करे साहब, पता ही नहीं कहाँ तक जाएगा करो। और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी हम एग्जिस्ट नहीं करा सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता जीरो से कितना ज़्यादा। तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है साहब वो क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। एक इसमें स्पेशल कोई नंबर नहीं है कि क्लोज होता ना तो मैं जीरो बोल देता, अब मैं इसको डज नॉट एग्जिस्ट ही बोलूँगा, ये ध्यान रख लेना।
सब ये क्लोज होता तो मैं इसको ज़ीरो बोल देता, बट ये क्या है ओपन, इसमें मेरे को पता नहीं कि ज़ीरो से कितना ज़्यादा, तो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्या सब ये पीरियोडिक है? सब ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। तो हमने इसके बारे में जाना, फंक्शन यस डोमेन रियल नंबर रेंज जीरो से इनफाइनाइट बाउंडेड नॉट मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट और पीरियोडिक नहीं। तो सब ये चीज़ आप दिमाग में सेट कर लीजिए, फोटो को दिमाग में क्लिक करिए। जब भी अगर फंक्शन की बात आती है तो आपके दिमाग में फोटो सेट होनी चाहिए, आप हर एक चीज़ फोटो के अकॉर्डिंग बताओगे। ठीक है, तो इसमें आगे चलते हैं। ये तो हुआ आपका केस फर्स्ट, अब बात करेंगे केस सेकंड की। केस सेकंड की बात चलेगी साहब। ठीक है, जब आपका केस सेकंड होगा, केस सेकंड देखिए, इसमें केस सेकंड में मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ ए ग्रेटर देन वन। देखो फंक्शन तो आपका वही है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, और जो ए बिलोंग कर रहा है वो किस में कर रहा है, आर पॉजिटिव छोड़ के वन को। ये ए बिलोंग कर रहा है आर पॉजिटिव छोड़ के वन को। केस सेकंड की बात करता हूँ सब मैं। केस सेकंड में जो है ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, वन। ए ग्रेटर देन अगर आपका वन है तो सब क्या होगा, सबसे पहले फोटो बनाते हैं इसके भी। ए ग्रेटर देन वन बोले तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू की पावर एक्स, थ्री की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, लगातार इस टाइप के वन से बड़े। तो सब इसका जो फोटो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा यूज होता है अपने मैथमेटिक्स में, ये ध्यान रख लेना। इसका फोटो ऐसे बनेगा, ये सब आपका जीरो वन पॉइंट होगा, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि जब आप x जीरो रखोगे तो नंबर की पावर जीरो, जीरो की पावर जीरो को छोड़ के रियल नंबर्स की पावर जीरो क्या होती है, सब वन। ठीक है, तो ये जो है आपका फंक्शन, किस टाइप के फंक्शंस का फोटो है, टू की पावर x, थ्री की पावर x, e की पावर x, इस टाइप के फंक्शन का सब ये क्या है फोटो। इसमें डिस्कस करते हैं सब फंक्शन। फंक्शन है फंक्शन सब ये फंक्शन, यस ये क्या है एक फंक्शन। फंक्शन की पहचान y एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल कर्व को अगर एक जगह कट करता है तो फंक्शन है, नहीं तो फंक्शन नहीं है। फंक्शन है ये क्यों, क्योंकि एक x दे रहे हैं तो एक ही y मिल रहा है हमें, क्लियर। दूसरी बात आती है फंक्शन है तो सब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन कैसे चेक करते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डालो दोनों तरफ, जहां तक कर्व को कट करती है सब वो डोमेन, और जहां पे कट करना बंद कर दे वो डोमेन नहीं। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस साइड भी लगातार कट कर रहा है सब, और इस साइड भी ये लगातार कट कर रहा है, तो इसकी जो डोमेन है सब वो क्या है, रियल नंबर। इसकी जो डोमेन है सब वो क्या है, रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसकी रेंज पे, फंक्शन की रेंज पे। रेंज पे हम देखते हैं कि आप कैसे चेक करते हो रेंज को। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डालो कर्व को, जहाँ पे कट करता है वो तो रेंज है, नहीं तो रेंज नहीं है। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये सिर्फ जीरो पे नहीं कट कर रहा, जीरो से ऊपर हर जगह कट, हर जगह मतलब वो लाइन कट करेगी, जीरो पे कट नहीं करेगी और जीरो से बिलो भी नहीं होगा। तो इसकी जो रेंज है सब वो है ओपन इंटरवल जीरो से इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल जीरो से इनफाइनाइट। ठीक है, रेंज पता चल गई साहब, बाउंडेड है। पीछे जो क्वेश्चन हमने, जो पीछे जो हमने ग्राफ सीखा था वैसा का वैसा बिल्कुल डिटो है, उसी टाइप से बाउंडेड भी ये नहीं है। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू साहब, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू, मतलब ग्राफ कहाँ तक ऊपर जा रहा है पता ही नहीं हमें। तो सब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और साहब फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देखते हैं। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बोले तो फंक्शन नीचे की तरफ, मतलब कहाँ पे, मतलब कोई एग्जैक्ट नंबर मिल रहा है वो कह रहा है कि जीरो से बड़ा, और जीरो से बड़ा हमें पता नहीं कितना। तो ये भी क्या होगा साहब आपका, डज नॉट एग्जिस्ट। और नेक्स्ट बात करते हैं साहब, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है, क्या साहब ये फंक्शन पीरियोडिक है? ये फंक्शन पीरियोडिक साहब नहीं है, ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। तो हमने इसमें एक एक चीज़ करके सीखी है कि फंक्शन की डोमेन, रेंज, बाउंडेड, मैक्सिमम, मिनिमम और पीरियोडिक।
इन सब स्टेप्स के बारे में जाना है साहब, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप कैसे ध्यान रख पाओगे, फोटो को, फोटो को दिमाग में क्लिक करो, हर एक चीज़ आप डिटेल में बता पाओगे, क्योंकि सब रटे नहीं जाएंगे। फिर से कह रहा हूँ, फ़ोटो को दिमाग में क्लिक कर लीजिए। जितने भी मैंने ग्राफ्स बनाए हैं, इनके फ़ोटोज़ एक पेज पे आप नोट करके दिमाग में सेट रखो। कोई भी फंक्शन बोलते हैं, कोई भी, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स बोल दिया, तो दिमाग में उसकी फ़ोटो आनी चाहिए। फ़ोटो के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से बता पाओगे, नहीं तो दिक्कत आपको होनी है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आगे करते हैं इससे। ये आपका था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यही केसेस हैं। अब हम जो करेंगे वो नेक्स्ट ग्राफ होगा आपका, वो मैं करता हूँ अभी, ठीक है। जो नेक्स्ट जो ग्राफ होगा आपका वो होगा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे साहब। इसको ln x भी बोलते हैं, log x भी आप इसको बोलते हो, ठीक है। इसमें भी साहब आप लिख सकते हो, सबसे पहले f of x is equal to log x base a, log x base a, ये आपका log x है। नीचे इसको base a या पैर में a बोलोगे, या तो इसको log x base a बोलोगे साहब, या इसको log x पैर में a। a जो आपका बिलोंग करना चाहिए वो करना चाहिए r पॉजिटिव छोड़ के 1, r पॉजिटिव छोड़ के 1। ऐसा क्यों? क्योंकि सब log x base a को मैं लिखूंगा log x अपॉन में log a, log x अपॉन में log a। अगर ये 1 होगा तो log 1 होता है सब 0, ठीक है। तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। यहाँ पे सारे के सारे r पॉजिटिव होने चाहिए छोड़ के 1 को, a की जगह, ठीक है सब। तो देखो इसमें जो है, इसमें भी आप केस बनाओगे। केस फर्स्ट देखिए। केस फर्स्ट में जो होगा a ग्रेटर देन 1, जब a ग्रेटर देन आपका 1 होगा तो उसका फोटो कैसे बनेगा? उसका फोटो ऐसे बनेगा जब a ग्रेटर देन क्या होगा 1, a ग्रेटर देन 1 होगा जब उसका फोटो ऐसे बनेगा। और यहाँ पे log 1 जो होगा वो क्या होगा आपका 0, log 1 जो होगा वो क्या होगा आपका 0। ग्रेट r 1 को छोड़ के मतलब किस टाइप के, f of x is equal to log x बेस 2, log x बेस 3, log x बेस e। इस टाइप के जो जितने भी आपके फंक्शंस हैं उनके फोटो सारे के सारे सब ऐसे बनने वाले हैं, ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि फोटो के अकॉर्डिंग ही सब आप हर चीज़ को बताने वाले हो, ठीक है। इस टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे सब उनका फोटो ऐसे बनेगा। सबसे पहले बात चलती है सब इसमें फंक्शन की सबसे पहले बात चलती है इसमें फंक्शन की। यस, क्या साहब ये एक फंक्शन है? हाँ, ये क्या है, एक फंक्शन। फंक्शन कैसे चेक करते हैं? वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल, अगर कर्व को एक जगह कट करता है तो फंक्शन है, नहीं तो फंक्शन नहीं है। तो हर जगह कर्व को एक जगह कट कर रहा है, देख लीजिए, मतलब एक एक्स रखो तो एक वाई मिले आपको, फंक्शन है साहब। डोमेन की बात करते हैं, डोमेन ऑफ एफ, फंक्शन की डोमेन। डोमेन कैसे चेक करते हैं? वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल के डोमेन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये जीरो नहीं है, जीरो से इधर है थोड़ा सा, ठीक है, जीरो नहीं है, एग्जैक्ट जीरो से बड़ा है। तो आप लिख सकते हो इसमें, इसकी जो डोमेन होगी वो होगी ओपन इंटरवल जीरो से इनफाइनाइट। मतलब लॉगरिथम जो डिफाइंड होगा वो कहाँ होगा? जब ए ग्रेटर देन वन होगा, कहाँ डिफाइंड होगा आपका? जीरो से ग्रेटर पे, मतलब इसका मतलब जो है सब यहाँ पे जीरो नहीं है, ठीक है, और ना ही इनफाइनाइट, जीरो और इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबर्स हैं, ठीक है। रेंज की बात करते हैं सब, रेंज ऑफ एफ, रेंज फंक्शन की रेंज कैसे करते हैं? फंक्शन की रेंज एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल के देखते हैं कि कर्व को कहाँ तक कट करते हैं वो रेंज, और जहाँ पे कट करना बंद करते साहब वो रेंज नहीं। तो हमने देखा कि बिलो एक्सिस भी कट कर रहा है, अबव एक्स एक्सिस भी हर जगह कट कर रहा है, तो जो इसकी जो सब रेंज जो है वो क्या होगी? रियल नंबर। इसकी जो रेंज जो है वो क्या होगी साहब? रियल नंबर। क्या फंक्शन बाउंडेड है सब? बाउंडेड,
बाउंडेड है सब ये फंक्शन, ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, सब मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं बता सकते, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। और सब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देख लीजिए, क्योंकि सारे फोटो मैंने जैसे बनाए उनमें ऐसे क्या है, एक में डज नॉट एग्जिस्ट आप देख सकते हो। अब तो सिर्फ आपको फोटो, कोई भी फोटो अगर आपके सामने हो तो आप बता सकते हो कि डोमेन रेंज क्या होगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हर एक क्या होगी। ये तो सिर्फ मैं आपको बार बार ऐसे इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ कि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से ये बातें सेट हो जाए, ठीक है। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू सब मैंने इसमें बता दी है, ठीक है। और ये पीरियोडिक है, क्या साहब ये पीरियोडिक है? ये पीरियोडिक नहीं है। पीरियोडिक में मैंने क्या बोला था कि अगर कर्व आपका सेम शेप बनाता हुआ चला जाए तो वो पीरियोडिक होगा, नहीं तो पीरियोडिक नहीं होगा। तो हमने इसमें एक एक चीज सीखी, फंक्शन, डोमेन, रेंज, बाउंडेड, मैक्सिमम, मिनिमम और पीरियोडिक, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं। अब बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड देखिए, जब आपका ए लाई करे 0 से 1 के बीच में, बोले तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स 1/2 बेस और लॉग एक्स बेस 1/3, लॉग एक्स बेस 1/4, इस टाइप के जब भी फंक्शन आपको मिलेंगे तो सब उनका फोटो कैसे बनेगा? उनका जो फोटो बनने वाला है वो कुछ ऐसे बनने वाला है। इस टाइप के फंक्शन जब मिलेंगे आपको, उनका फोटो कैसे बनेगा? ये लॉगरिथम की बात कर रहा हूँ सब मैं। उनका फोटो ऐसे बनने वाला है, यहाँ पे आपका लॉग वन क्या होगा? 0। देखो इसमें रूट्स के बारे में भी आपको पता है, रूट्स क्या है इसके पास? रूट्स है, यस, रूट। इसके पास जो रूट है सब वो क्या है? एक्स इज इक्वल टू 1। रूट का मतलब जहाँ पे हम अगर फंक्शन में कुछ वैल्यू रखे वहाँ पे हमें y 0 मिले, वो सब क्या होता है? रूट। ये आपको पता होगा, जीरोज भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, तो इसका रूट्स क्या है? 1, ठीक है। अगर जानना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है। इसमें देखो बात करते हैं डोमेन की, रेंज की। डोमेन सब एज इट इज होगा क्योंकि 0 नहीं है, 0 से इधर सारा है। और रेंज भी एज इट इज होगा क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर हैं। तो सब इसमें फंक्शन तो है, ये सीधी सी बात है, फंक्शन, यस, ये क्या है साहब? एक फंक्शन है। बात करते हैं साहब इसकी डोमेन की, डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ बोले तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, जो आपको मैंने बार बार बताया है, होगा ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। इसकी रेंज की बात करते हैं, रेंज जो होगा वो क्या होगा? रियल नंबर। रेंज जो होगा वो क्या होगा? रियल नंबर। बाउंडेड है साहब, बाउंडेड, बाउंडेड है ये सब, बाउंडेड नहीं है। फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी क्या है सब? डज नॉट एग्जिस्ट। और जो सब फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है, फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो भी क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो भी सब क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। सब इसके पास रूट है, रूट, यस, इसके पास रूट है। एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है? ये 0। तो हमने लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से सीखा है, ठीक है। आपको इतना तो पता ही चल गया होगा कि लॉग जो होता है वो नेगेटिव पे डिफाइंड नहीं होता, वो 0 से बड़े नंबर्स पे डिफाइंड होता है। मतलब 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़े नंबर्स पे सब क्या होता है? ये डिफाइंड। तो इतनी जानकारी तो आपको पता लग ही गई होगी। लॉगरिथम फंक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी कर्व्स के फोटो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सब, ये सारे के सारे आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप फोटोज़ के अकॉर्डिंग डोमेन, रेंज, मिनिमम वैल्यू, पीरियोडिक सब याद रखिए, दिमाग में सेट रहेंगे आपके, क्लियर। तो हमने पढ़ा है सब यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं एक और फंक्शन के बारे में। मैं इसको मिटा देता हूँ, नेक्स्ट फंक्शन के बारे में अब पढ़ेंगे, ठीक है। बारी बारी सारे फंक्शन हम करते जा रहे हैं, जितने ज़्यादा हम करेंगे उतने ज़्यादा अपने लिए बेस्ट होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा अच्छी पकड़ होगी कैलकुलस पे अपने। नेक्स्ट जो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स,
देखो सब मॉडुलस एक्स का जो फोटो बनेगा वो विनर टाइप, जो हम विनर का साइन देते हैं जैसे ये वी, इस टाइप का फोटो बनेगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो मॉडुलस एक्स फंक्शन का जो फोटो बनेगा सब वो ऐसा बनेगा, ठीक है। ये किसका फोटो है? मॉडुलस एक्स का। मॉडुलस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? मॉडुलस एक्स को लिख सकते हैं माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो, और एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो। ये इक्वल ऊपर भी लगा सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। कि मतलब कि अगर x लेस देन जीरो होगा तो वो माइनस एक्स होगा, और x ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा तो सब वो क्या होगा? प्लस का x। बोले तो ये जो है आपका क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। मैंने बताया था आपको y इज इक्वल टू क्या होता है, f of x, और ये जो है आपका क्या है, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x। इस फंक्शन को देखो सब, ये एक फंक्शन है, फंक्शन को टू पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। ये दिमाग में सेट रखना कि ये जो चीज़ है ये क्या है, एक फंक्शन। फंक्शन को साहब हमने टू पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अगर x लेस देन जीरो होगा तो माइनस एक्स होगा, और x ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा साहब तो क्या होगा, वो प्लस का x, ठीक है। ये आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए ये सब बातें। तो हम इसमें करेंगे क्या, वो देखिए कि इस जो फंक्शन में डोमेन और रेंज पीरियोडिक ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक चीज करके। फिलहाल आप दिमाग में इतना ही सेट रखिए, और इसकी डोमेन रेंज आप बिल्कुल इजीली बता पाओगे अगर आपके दिमाग में इसकी फोटो सेट है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ साहब इसमें फंक्शन की। फंक्शन क्या साहब, ये फंक्शन है। फंक्शन के लिए क्या बोला था, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल, अगर कर्व को एक जगह कट करती है तो साहब वो फंक्शन है, नहीं तो फंक्शन नहीं है। तो साहब ये क्या है, एक फंक्शन है, यस। दूसरी बात चलते हैं अपने यहाँ पे डोमेन के, डोमेन ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन के डोमेन क्या होगी साहब, फंक्शन के डोमेन भी मैंने क्या कहा था कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डालो, पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी, अगर कर्व को कट करती है तो डोमेन है, नहीं तो डोमेन नहीं है। तो मैं देखूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव साइड भी लगातार कट करती जा रही है, नेगेटिव साइड भी लगातार कट करती जा रही है, तो सब इसकी जो डोमेन है ये कहता है कि सारे रियल नंबर मेरे लिए डोमेन है, ठीक है। रेंज की बात करते हैं, रेंज, रेंज ऑफ एफ, फंक्शन की रेंज की बात करते हैं साहब। फंक्शन की रेंज का मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डालो, जहाँ पे कर्व को कट करते हैं तो रेंज है साहब, और कट करना बंद कर दे तो रेंज नहीं है। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें जो रेंज है एक्स एक्सिस के बिलो नहीं है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि जीरो अगर रखते हो तो आपको जीरो मिलता है। तो रेंज जो है जीरो है, ये आपका जीरो जीरो है, और जीरो जीरो से ऊपर लगातार है। तो आप कह सकते हो कि मॉडुलस एक्स, मॉडुलस फंक्शन में अगर हम रियल नंबर रखते हैं तो या तो जीरो मिलेगा या जीरो से बड़ा, मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, इस पे ओपन इंटरवल जीरो होगा तो बच्चे इस पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल। तो आपने इसकी रेंज बता दी, डोमेन बता दी, फंक्शन बता दिया। बात चलती है सब बाउंडेड की, बाउंडेड क्या साहब, ये बाउंडेड है। बाउंडेड के लिए मैंने क्या बोला था कि कर्व को दो लाइन के बीच में होना जरूरी है। अगर ऊपर लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन उस कर्व से निकल जाएंगी, तो ऊपर की साइड बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड नहीं बोल सकते, बट ये लोअर बाउंड जरूर है, अपर बाउंड नहीं है। सब लोअर जो बाउंड है, लोअर बाउंड जो है वो कहाँ पे है, ये जीरो पे, और अपर बाउंड है, अपर बाउंड है कहाँ है, डज नॉट एग्जिस्ट। अपर बाउंड जो है साहब डज नॉट एग्जिस्ट। सब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बोले तो कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या होगी। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता ही नहीं कि ये कर्व कहाँ तक ऊपर तक जाएंगे, तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। और सब फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, जीरो। वो आप डोमेन को, सॉरी वो आप रेंज से अच्छे से बता सकते हो। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है साहब, यहाँ पे जीरो, ठीक, क्या है, जीरो। तो पीरियोडिक है साहब, पीरियोडिक के लिए मैंने बताया था कि
फंक्शन शेप सेम शेप लेता हुआ बार बार सेम शेप ले फंक्शन, जैसे साइन हो गया, टिग्नोमेट्रिकल जैसे सारे के सारे पीरियोडिक थे, ये बार बार वी नहीं ले रहा, तो इसको आप कहोगे ये पीरियोडिक नहीं है। तो हमने इसके बारे में सीखा और आप रूट्स भी डिस्कस कर लीजिए, रूट क्या होंगे साहब इसका, रूट जो है वो क्या है, x इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे आपको y जीरो मिले वो इसका रूट। तो अगर आप x जीरो रखते हो तो साहब आपको y क्या मिलता है, जीरो। तो इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में सीखा है। मॉडुलस फंक्शन को आप दिमाग में सेट कर लीजिए, फोटो को दिमाग में सेट करिए, फोटो के अकॉर्डिंग आप एक एक चीज़ बताइए ताकि आप लंबे टाइम तक ये सब बातें याद रख सको, ठीक है सब। आप देखो जितनी आप मेहनत करोगे बेसिक्स पे उतनी अच्छी कमांड आपकी मैथमेटिक्स पे होगी और कंपटीशन में भी आप अच्छे से लड़ पाओगे, ठीक है। मतलब कि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में, तभी आप कुछ अच्छे से कर सकते हो। अगर अधूरी नॉलेज है तो आप सीधी सी बात है मार खाओगे। तो आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से सीखिए, फोटो को दिमाग में क्लिक करिए, ठीक है, और एक एक चीज़ को डाइजेस्ट करते जाइए। थैंक यू।